नमस्कार, मेरा नाम आंचल, साइकोलॉजी मेरा पैशन। तो चलिए आज साइकोलॉजी में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में जानेंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। टॉपिक ये आप लोगों का इतना इम्पोर्टेंट है कि चाहे आप इस एग्जाम को दीजिए, केवीएस को दीजिए, या आप लोग कोई भी स्टेट टेट को लीजिए, या आप लोगों का टीचर्स रिक्रूटमेंट का हो, ये ऐसा सेक्शन है जो किसी भी पेपर में अछूता नहीं होगा। अगर आप मेरे से पास्ट ईयर में, जो आप लोगों का 2018-22 दिसंबर को पेपर हुआ था, टीजीटी वाले सेक्शन की खास बात कह रही हूँ, क्योंकि टीजीटी केवीएस में पैडागॉजी 40 नंबर का आता है, और उस 40 नंबर में आप यकीन मानिए कि 8 क्वेश्चन आप लोगों के समावेशी शिक्षा को लेकर आए। टॉपिक अपने आप में ये इतना वास्ट है कि जिन लोगों ने बीएड किया होगा उनका सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों की प्रॉपर एक बुक है, इंक्लूसिव स्कूल या इंक्लूसिव सोसाइटी की जो बुक पढ़ाई जाती है। तो ये वाला टॉपिक हम लोगों को बहुत अच्छे से करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका एवोल्यूशन क्या है, समावेशी शिक्षा अपने आप में ये कंसेप्ट कब आया, कैसे शुरू हुआ, या ये किसी का मॉडिफाइड वर्जन है। तो हाँ, आज हम इन सभी सवालों के जवाब के बारे में जानेंगे। कहानी अगर मैं सिंपल में, बहुत ब्रीफ में बताना चाहूं, तो ये कहानी शुरू होती है हमारी स्पेशल एजुकेशन को लेकर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेष शिक्षा। तो विशेष शिक्षा का अर्थ ये था, जब जिन बच्चों में नॉर्मल बच्चों से, सामान्य बच्चों से थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती थी, व्हेन दे आर फाउंड अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो उस प्रकार के बच्चों को, खासकर जिनमें विभिन्नता का अर्थ है किसी प्रकार की अपंगता पाई जाती थी, चाहे वो दृष्टिबाधित हो, विजुअली चैलेंज हो, या उन लोगों का कोई हेयरिंग प्रॉब्लम वगैरह हो, तो दीज पीपल वर सेग्रीगेटेड फ्रॉम द नॉर्मल चिल्ड्रन एंड दे वर पुट टू अ स्पेशल स्कूल वेयर दे विल बी लुक्ड आफ्टर और दे विल बी एजुकेटेड बाय स्पेशल टीचर्स। तो उस प्रकार के बच्चों के लिए टर्म दी जाती थी स्पेशल एजुकेशन नीड। इस प्रकार की फुल फॉर्म आप लोगों को स्टेट टेट वगैरह के जो एग्जाम होते हैं उसमें आप लोगों को सेम का, या इसी का ही दूसरा रूप है आप लोगों का CWSN, इसका फुल फॉर्म आपको पूछा जाता है। तो स्पेशल एजुकेशनल नीड कहलाया आपका सेम वाले बच्चे, और CWSN के मायने है चिल्ड्रन विद स्पेशल। तो इस प्रकार के बच्चों को जहां विशेष विद्यालयों में डाला जाता था, तो वहां पर जो ग्रुपिंग वगैरह की जाती थी, वो ग्रुपिंग के ऊपर अगर मैं क्वेश्चन पूछूं, क्या ये एबिलिटी ग्रुपिंग थी, क्या ये डिसेबिलिटी ग्रुपिंग थी, क्या ये बच्चों का इंटेलिजेंस बेस्ड ग्रुपिंग थी, ये जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग थी, ये कास्ट बेस्ड ग्रुपिंग थी, तो स्पेशल एजुकेशन में जिस ग्रुपिंग को हम इस्तेमाल करते थे वो होता था डिसएबिलिटी ग्रुपिंग। डिसेबिलिटी ग्रुपिंग, यहाँ पे नाम ही अपने आप में काफी विवादास्पद नाम है कि जिन बच्चों में एक समान, एक प्रकार की, एक जैसी डिसेबिलिटी पाई जाती थी, जैसे मान लीजिए जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं उनके लिए ब्लाइंड स्कूल्स अलग होते थे, जिन बच्चों का कहीं पर हेयरिंग को लेकर प्रॉब्लम होती थी उन बच्चों का अलग स्कूल होता था, इसी प्रकार जिनकी लोकोमोटर डिसेबिलिटीज वगैरह होती थी, या जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे थे, तो उस प्रकार के बच्चों का एक अलग ग्रुपिंग करते थे, वहां पे स्पेशल रिसोर्स पर्सन या स्पेशल एजुकेटर। तो इस प्रकार के जो लोग होते थे, जो टीचर्स होते थे जिन्होंने स्पेशल बीएड वगैरह किया होता है, उस प्रकार के लोग उन प्रकार के विशेष प्रकार के बच्चों को उनको पढ़ाया करते थे। अब ये स्पेशल एजुकेशन जो था, यहाँ पे जो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल पार्ट था, तो यहाँ पर एक जो सबसे बड़ी, जिसको बहुत ज्यादा, जिसकी आलोचना की गई और हमें इस सिस्टम को थोड़ा सा बदलना पड़ा, तो व्हाट एक्चुअली प्रॉम्प्टेड द गवर्नमेंट टू रिप्लेस स्पेशल एजुकेशन सिस्टम और टू ब्रिंग अ न्यू सिस्टम, तो वो चीज थी सेग्रीगेशन को लेकर। अब ये सेग्रीगेशन वर्ड अपने आप में क्या कहलाता है, हिंदी में अगर मैं कहूं तो ये कहलाता है आपका पृथकीकरण। तो यहाँ पे पृथकीकरण के मायने क्या है, जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग पाए जाते थे और उनमें एक विशेष प्रकार की अपंगता पाई जाती थी, उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा के बच्चों से अलग रखा जाता था, तो उसको, प्रोसेस को हम कहते थे सेग्रीगेशन। अब सेग्रीगेशन को ओवरकम करने के लिए जब ये चीजें काफी ज्यादा ह्यूमन
राइट्स के ऊपर आई तो उसके बाद काफी बॉडीज ने, जैसे कि हमारा यूनेस्को ने अपने लेवल के ऊपर काफी काम करा और काफी इंटरनेशनल बॉडीज ने इसके ऊपर काम करा, तो तब जाके इस बात को रियलाइज किया गया कि बच्चों का भी शिक्षा को लेकर अधिकार है और वहां पे सेग्रीगेशन को ओवरकम करने के लिए एक प्रोसेस शुरू किया गया और वो अपने आप में कहलाया मेन स्ट्रीमिंग। मेन स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है? मुख्य धारा में सेन वाले बच्चों को जोड़ना। अब मुख्य धारा में बच्चों को जोड़ने के मायने क्या है? यू गॉट टू हैव अ स्पेशल सिस्टम इफ यू रियली वांट टू कपल दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन। तो उसको शुरू करने के लिए सरकार ने एक प्रोसेस शुरू किया और उसको कहा गया इंटीग्रेटेड एजुकेशन। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन के मायने, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एकीकृत शिक्षा, तो एकीकृत शिक्षा किसके ऊपर आधारित थी? यह मेन स्ट्रीमिंग के ऊपर आधारित थी और किस प्रकार की चीज की आलोचना करती है, किस प्रकार की स्पेशल एजुकेशन का जो सबसे बड़ी बाधा बन रही थी, जिसके अंदर थोड़ा सा पृथकीकरण को महसूस किया गया, उसको हटाने के लिए लेकर आई इंटीग्रेटेड एजुकेशन। मोटा मोटा फर्क बता देती हूँ। इंटीग्रेटेड एजुकेशन के मायने ये थे कि फिजिकली आपको लगेगा यू आर प्लेसिंग अ चाइल्ड, कौन सा बच्चा? सेम चाइल्ड। यू आर प्लेसिंग द सेम चाइल्ड इनटू द रेगुलर सिस्टम, बट इट वॉज मेयरली, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द पॉइंट, इट वॉज मेयरली अ फिजिकल प्लेसमेंट ऑफ सेम चाइल्ड अलोंग विद द नॉर्मल चाइल्ड इन द सेम बिल्डिंग। तो यहां पर मेन स्ट्रीमिंग के तौर के ऊपर जिन बच्चों में किसी प्रकार की अपंगता पाई जाती थी, उन बच्चों को सामान्य मुख्य धारा के बच्चों के साथ एक ही बिल्डिंग में रखकर उनको पढ़ाया जाने लगा। तो यहाँ पर हमने केवल क्या किया है, देखने में लग रहा है कि आपने इस प्रकार के बच्चों को शामिल कर लिया, पर ये शामिल करना अपने आप में कितना ईमानदार कदम था, उसके ऊपर सवाल उठे इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लेकर। क्योंकि इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या था, इनकी मेन जो एक भावना थी, वो भावना इस चीज को लेकर थी कि चाइल्ड, स्पेशली अ सेम चाइल्ड, वन हु इज हैविंग स्पेशल नीड्स, दैट विल बी अ बर्डन टू द सिस्टम, और इस प्रकार के बच्चे के लिए हमारे को कुछ एक्स्ट्रा जो है डिमांड्स बच्चे की पूरी करनी होगी, और वो होगी कि यू गॉट टू हैव अ स्पेशल टीचर, यू गॉट टू हैव अ स्पेशल करिकुलम, एंड देयर मस्ट बी सम अदर मेजर्स दैट कुड कोप अप विद दिस काइंड ऑफ चिल्ड्रन हु आर हैविंग अ प्रॉब्लम। तो इस प्रकार के बच्चों को डील करने के लिए हमें एक ऐसा वातावरण जो है वो बनाना पड़ेगा। तो स्कूल के लिए इट विल बी मोर और लेस लाइक एन एक्स्ट्रा बर्डन। तो इस प्रकार की चीजों के कारण जो स्कूल था, वो इस प्रकार के बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ एक साथ रखने में इंटरेस्टेड नहीं थे। बट फिर भी स्कूल्स में आज भी ये सिस्टम है, और आज जब 2009 का शिक्षा का कानून आया, तो उस शिक्षा के कानून ने इंक्लूसिव एजुकेशन को मैंडेटरी बना दिया, यानी कि इंटीग्रेटेड से हमें एक कदम और आगे बढ़ना पड़ा। क्यों बढ़ना पड़ा? क्योंकि एकीकृत सिस्टम एक इस प्रकार के सिस्टम को था जो कि इस प्रकार के सेन वाले बच्चों को वेलकम नहीं करता था। उस प्रकार के बच्चों को बस दिखावे के तौर पे शामिल किया जाता था, लेकिन जहां पर हम कहे कि यहां पर आपको ये तो लग रहा है कि हाँ यहाँ पे इक्वालिटी हो रही है क्योंकि आप सभी बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे हैं, बट यहाँ पर अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो वहां पर आपके लिए इक्वालिटी बड़ा नहीं है, वहां पर बड़ा है इक्विटी। यानी कि अगर बहुत ही आम भाषा में बात करूं तो अंधन को आंख चाहिए, कोड़िन को काया चाहिए। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ कि हर एक की जरूरतों के अकॉर्डिंगली अगर आप सिस्टम में उनको उनकी जरूरतों को एड्रेस करता हुआ सिस्टम देंगे, तो दैट विल बी अ मोर एप्रोप्रिएट स्टेप रादर देन फिजिकली प्लेसिंग द चिल्ड्रन अंडर वन ग्रुप। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो थी वो एक तरीके का यू समझ लीजिए कि एक जैसा गार्बेज ग्राउंड बन गया, डंपिंग ग्राउंड बन गया, जहां पर हर प्रकार की अभाव वाले जो भी बच्चे थे जिनमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम थी, यू वर सिंपली क्लबिंग देम विद द नॉर्मल चिल्ड्रन। बट ये हमारे को नहीं करना था। वी वॉन्टेड टू हैव अ सिस्टम दैट कुड केटर टू द नीड ऑफ एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उसके लिए सरकार को अपना सिस्टम बदलना पड़ा, और जब इंटीग्रेटेड एजुकेशन लेकर आए थे तब हमारे यहाँ पर स्कीम चलाई गई थी IEDC। ये स्कीम बेटा चलाई गई थी और इसको बोला जाता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन।
ये स्कीम सन 1974 में, ये याद रखिएगा कि मैं सन मेंशन करके चल रही हूँ, क्योंकि सन के क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जहां पर फैक्चुअल वगैरह ज्यादा पूछा जाता है, जैसे आप लोगों का रीट का पेपर हो गया या आप लोगों का यूपी टेट का पेपर हो गया। तो 1974 के अंदर सरकार ने ये लिया। अब ये जो आईईडीसी जो बनाया गया था, ये भी कहां से प्रभावित हुआ था, तो ये सारी चीजें जो है अमेरिका में एक कानून बना था आइडिया एक्ट करके। तो आइडिया एक्ट वगैरह का उन चीजों में भी यही करा था कि हमारे को डिसेबल बच्चों को शामिल करना है। तो इस प्रकार हमारे देश में इस प्रकार का आईईडीसी की स्कीम दी गई और उस स्कीम में इस प्रकार के बच्चों को लाभान्वित होने का मौका दिया गया। पर चूंकि सिस्टम में खामियां थी, और वो खामियां क्या थी कि जिस सेग्रीगेशन को दूर करने का दावा इंटीग्रेटेड एजुकेशन करती थी, उसके ऊपर सवाल या निशान उठने लगे। तो कि यहां पर कहीं ना कहीं पार्शियल सेग्रीगेशन था, यानी कि आंशिक रूप में पृथकीकरण यहां पर भी दिखता था। क्यों दिखता था? क्योंकि यहां पर बच्चों को पूरी तरह अपनाया नहीं जाता था। वहां पर भी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी CWSN बच्चों की, वो स्पेशल रिसोर्स पर्सन की ही हुआ करती थी, और रेगुलर टीचर जो है वो अपना काम अपने रेगुलर बच्चों के साथ करते थे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब अकेडमिक एक्टिविटीज का काम होता था, तो वहां पर इस प्रकार के बच्चों को अलग स्पेशल रिसोर्स रूम वगैरह में रखा जाता था, और नॉर्मल बच्चों को अकेडमिक एक्टिविटीज जो भी करवानी होती थी वो करवाई जाती थी। तो देयर वाज स्टिल अ डिग्री ऑफ सेग्रीगेशन, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर कि ये अपने आप में था पार्शियल सेग्रीगेशन। अब कहां पर हमारे को ये सेग्रीगेशन की लाइन बिल्कुल खत्म करनी है, वो सिस्टम हमारा आया इंक्लूसिव एजुकेशन का। नाम अपने आप में क्या कहता है, समावेशी। समावेशी का मतलब क्या है, जो सबके लिए सम है, सबके लिए समान होगा। तो यहां पे ज्यादा बड़ी चीज क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन किसको लेकर है, डज इट सेलिब्रेट इक्वालिटी और डज इट सेलिब्रेट मोर ऑफ इक्विटी। तो यहां पे याद रखने वाली बात यह है, ये इक्वालिटी से ज्यादा ये इक्विटी के ऊपर है, यानी कि ये इस बात के ऊपर है कि जिसको जिस प्रकार की जरूरत है उसको उसी प्रकार से ही समझाया जाए। अगर एक बच्चे की नीड विजुअली, अगर एक बच्चा चैलेंज है और एक बच्चा जो हियरिंग इंपेयर्ड है, तो वहां पर हमारा जो रेगुलर टीचर है, रेगुलर क्लासरूम है, उस क्लासरूम में हमारे को हियरिंग इंपेयर्ड एंड विजुअली चैलेंज, फिजिकली डिसेबल और वॉट एवर द काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज आर, we have to cater to the need of every kind of learner in the same classroom by the same teacher. So, yahan pe main cheez jo rule kar rahi hai, wo rule kya kar raha hai? It is not about segregation, it is more about the inclusion, jo ki based hai equity ke upar, jiske andar hame sabhi prakar ke bachchon ko shamil karna hai aur har ek ki educational need ko satisfy karna hoga. To jo bahut acha welcoming step hai, wo apne aap mein kehlayega inclusive education. Jab sarkar inclusive education ko lekar aayi, to IEDC wali scheme ko ke baad jo modified version kiya gaya, wo kehlaya IEDSS, यानी कि अगर मैं यहाँ टॉप पे लिखूं तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हमारे को जो स्कीम मिली वो कहलाई IEDSS। इसके मायने क्या है, ये कहलाएगा इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। ये भी कब लेकर आई गई, अगर एग्जैक्ट आपको बताऊं कि जब इसका ढांचा वगैरह बना के दिया गया, तो इसको लागू करवाने की जो की गई थी सिफारिश है वो 1986 की, यानी कि जो 34 साल पहले हमारी शिक्षा नीति बनी उसमें दिया गया IEDSS। अब IEDSS हम कहते हैं शिक्षा नीति आई 1986 में, पर इसको एक्चुअली एक लीगल रूप में जो लागू करवाया गया उसका श्रेय जाता है हमारा RTE 2009 को। इसके अनुसार इस प्रकार के बच्चों को सालाना और लड़कियों के लिए कुछ अलग खास और प्रोविजन वगैरह दिए जाते हैं, कुछ भत्ते वगैरह दिए जाते हैं, और यहाँ पे जो स्कूल होती है वो बिल्कुल कायाकल्प होती है उन स्कूलों की। आज आपने देखे होंगे, काफी स्कूल्स आपने ऐसे देखे होंगे जहां पर आज आपको लगता है कि सीढ़ियां भी है और साथ ही साथ सीढ़ियों के साथ आपको रैंप भी मिलेगा, आपको वहां पे टॉयलेट की भी तीन अलग अलग कैटेगरीज मिलेगी। तो आपको एक जो स्कूल का बुनियादी ढांचा है, वो बुनियादी ढांचा जो इमारत से शुरू होता है, इमारत से लेके शिक्षण शास्त्र तक चलने वाले, उसमें जो बदलाव आया है वो बदलाव को बहुत
लक्ष्य से डिनोट करता है हमारा समावेशी शिक्षा। किसके ऊपर ये काम करता है? ये काम करता है जीरो रिजेक्शन पॉलिसी, बिना व्यवधान शिक्षा, जहां पर किसी भी प्रकार के बच्चे को किसी भी निर्योग्यता के आधार पे शिक्षा में प्रवेश के लिए रोका नहीं जाएगा। तो इंक्लूसिव एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है जो इक्विटी के आधार के ऊपर चलता हुआ हर प्रकार के लर्नर को अकोमोडेट करता है, इररिस्पेक्टिव, इस बात की परवाह नहीं करता कि किस प्रकार की क्षमताएं हैं। मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं बोली कि यह इस बात की परवाह नहीं करता कि क्या क्षमताएं हैं, क्योंकि वी आर नॉट फोकस मोर अबाउट द डिसेबिलिटीज बट वी आर फोकसिंग मोर ऑन द एबिलिटीज अ चाइल्ड इज हैविंग। तो इसीलिए नाम क्या दिया गया? स्पेशल नीड, जिनकी विशेष आवश्यकता है। और हमारे मोदी जी ने इस प्रकार के जनों के लिए अलग नाम दिया और उनको कहा गया दिव्यांग, जिनके पास दिव्य अंग है। यानी कि वो दिव्यांग से क्या संबोधित करना चाहते हैं कि जिन लोगों का अगर एक पार्ट, एक सेंसरी पार्ट कोई भी चैलेंज होता है तो उनका दूसरा वाला पार्ट अपने आप एक्टिवेट होता है। और ये बात एक बायोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर बच्चा बर्थ से वो डेफ एंड डम है तो उसकी बाकी सेंसरी पावर्स जो होती है वो बहुत तेज होती है, क्योंकि जो शरीर में बनने वाली कोशिकाएं और सेल है वो तो उतने ही रहेंगे, पर उसमें से बहुत सारे सेल जो है उनका फंक्शन उस दूसरे पार्ट के लिए चला जाता है। तो जब कुदरत ने जो नियम बनाया वही नियम को अगर हम आज अपने शिक्षण शास्त्र में लेकर आते हैं तो वो हमारा नियम भी यही कहता है कि अगर बच्चे की एक सेंस चैलेंज है तो आप उस सेंस को पुश मत करो, नेवर पुश द बायोलॉजिकल लिमिट ऑफ अ चाइल्ड। आपको क्या करना होगा? जो सेंस बच्चे की ऑलरेडी है, जो एबिलिटी उसमें है, उसी एबिलिटी के थ्रू आपको चैलेंज वाले पार्ट को भी कंपनसेटरी मोड के ऊपर लाना होगा। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि एक बच्चा जो है वो कक्षा के अंदर उसको सुनने में प्रॉब्लम आती है तो आपको उस बच्चे के लिए क्या करना होगा? आप उस बच्चे को हियरिंग एड दे दो, आप उस बच्चे के लिए आप और ज्यादा लाउड बोलना शुरू कर दोगे, आप उस बच्चे के लिए कोशिश करोगे कि ऐसी ऑडियो बुक्स वगैरह कुछ दे दिया जाए जहां पर वो उस आवाज को और तेज कर सके, या आप उस बच्चे को फ्रंट रो पे लाकर बिठा दोगे। तो आपके लिए क्या करना ज्यादा अच्छा होगा? तो आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके लिए आंसर ये बनता है कि आप बच्चे को फ्रंट रो के ऊपर लेकर आ जाइए, मत दीजिए आप हियरिंग एड, मत दीजिए ऑडियो बुक। आपका पहला जो तरीका होगा वो पहला तरीका इस बात को है कि वो बच्चा अगर फ्रंट पे आएगा तो वो आंखों से जब टीचर की लिस्पिंग मूवमेंट को देखेगा then he could easily make it out कि what does the teacher intend to say. So don't put pressure upon the sense which is already challenged. जो बच्चे का पहले ही जो भी अंग पहले ही बाधित है, आप उसी बाधित के ऊपर प्रेशर क्यों डाल रहे हैं? आप उसके ऊपर क्यों नहीं काम कर लेते जो पार्ट बच्चे का बिल्कुल नॉर्मल है? और वहां से जब वो बोर्ड को भी देख रहा है, टीचर की लिस्पिंग मूवमेंट को भी देख रहा है और फ्रंट के ऊपर उसको आवाज भी ठीक से आ रही है, तो इसका मतलब आपने बच्चे को स्पेशल चीजें देकर उसको क्लास में बाकी बच्चों से अलग करने का प्रयास नहीं करा कि वो क्लास में थोड़ा सा बाकी लोगों से अलग दिखे। लेकिन जब वो फ्रंट रो में बैठता है देन देयर आर मेनी नॉर्मल स्टूडेंट्स हु आर आल्सो सिटिंग एट द फ्रंट बेंच। So it is no wonder कि वो बच्चे को ही आप क्यों बिठा रहे हैं। तो आपकी कोशिश being a teacher क्या होनी चाहिए? How to make a child feel normal in the classroom, irrespective of the problem a child is having, but you don't need to highlight it. तो टीचर की काबिलियत कहां पर आती है कि आप उसके साथ जो भी दिक्कत है उसको हाईलाइट मत करिए, बल्कि बड़े ध्यान से जो सेंसेस बच्चे की अच्छी है उनके ऊपर आपको और ज्यादा काम करना है, वो और ज्यादा बर्डन को वो सह सकती है। तो इसका मतलब हमारे को डिसेबिलिटीज पे ध्यान नहीं देना, हमको क्या स्ट्रेंथन करना है? एबिलिटीज जो है उसके ऊपर और काम करना होगा। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न है हमारा समावेशी शिक्षा का कि आप इसको किस प्रकार करेंगे और वो करेंगे अपने शिक्षण शास्त्र के द्वारा। तो उस शिक्षण शास्त्र को लेकर आने के लिए आपको उसके अंदर जो आपका बुनियादी ढांचा है उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं आपसे ये कहती हूं कि हमारी समावेशी शिक्षा जो है वो समावेशी शिक्षा की सफलता किस बात पर ज्यादा निर्भर करती है, तो वो सफलता क्या इस चीज के ऊपर निर्भर करती है कि आप एक्सीलेंट क्वालिटीज बना दीजिए टेक्स्ट बुक की। यहाँ पे मैं एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक के लिए कहना चाहती हूँ, जहां पर आज आपके पास इस प्रकार की किताबें आ गई हैं जिसको हम कहते हैं ऑडियो बुक्स कहते हैं या टॉकिंग बुक्स वगैरह कहते हैं,
क्या ये करना आपके लिए सही रहेगा अगर आप समावेशी शिक्षा को कामयाब बनाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि टीचर्स का जो एक अपना एटीट्यूडनल चेंज है वो टीचर्स में लेकर आना होगा, या आपको लगता है यहाँ पर कि आपको कम्युनिटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा, अगर सपोर्ट होगा तभी आप कर पाएंगे, सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी आपके लिए जरूरी होगा, या आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी क्वालिटी का टीएलएम लेकर आते हैं, तो आपकी समावेशी की सफलता किसके ऊपर निर्भर करेगी। पहले तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, देखिए चारों के चारों ऑप्शन आप लोगों के लिए बिल्कुल सही है, कोई भी ऑप्शन इसमें ये नहीं कहेंगे विच इज अगेंस्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जब आपके पास इस प्रकार के ऑप्शन आते हैं जहां आपको लगता है एवरीथिंग साउंड्स राइट बट यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन, तो सही में भी सबसे उपयुक्त क्या होगा वहां पे निर्भर करती है आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, तो वो आप कैसे करेंगे। अगर मैं कहती हूँ आप एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक लेकर आ जाइए, अरे आप पूरी लाइब्रेरी भर लो, सब कुछ आप बच्चे को प्रोवाइड कर दो, लेकिन नथिंग इज गोइंग टू हेल्प द चाइल्ड। व्हाई? क्योंकि जब तक आप बच्चे को मोटिवेट करके तैयार नहीं करते हैं तब तक बच्चा नहीं करेगा। आपके थॉर्नडाइक साहब का भी लॉ है, लॉ ऑफ रेडीनेस, जो ये कहता है फर्स्ट यू हैव टू मेक अ चाइल्ड रेडी, तभी वो बच्चा सीखेगा। तो आप कितनी भी बढ़िया टेक्स्ट बुक्स वगैरह लेकर आ जाइए, लेकिन अगर आप उसको बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट बुक लेके कह दे बेटा तू कोने में बैठ के पढ़ ले क्योंकि तेरे को सुनाई ना देता है, तो बेटा तू वहां पे जाके कोने पे बैठ के अपना हेयरिंग एड लगा ले या ऑडियो बुक है उसको लेके अलग बैठ जा। सेम क्लास में भी अगर अलग कॉर्नर में आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे का जो इमोशनल है, वो जो इमोशनल फ्रेम ऑफ माइंड है वो तो डिस्टर्ब हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब आपने बच्चे को मन से ही बच्चे को बिल्कुल ऐसे बुझा सा कर दिया तो वो बच्चा क्या पढ़ेगा। तो आप लोग को ये नहीं करना है। तो एक्सीलेंट क्वालिटीज ऑफ टेक्स्ट बुक बस वही है कि आपने चीजें बहुत सारी दे दी है, नहीं वो काम नहीं करने वाला। नंबर टू पर आते हैं, अगर मैं कहती हूँ एटीट्यूडनल चेंज इन टीचर, अगर शिक्षकों की एक जो अभिवृत्ति है उसमें बदलाव लाया जाए। अरे क्यों ये क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं? बिकॉज वी रियली वॉन्ट टू सी दोज हु आर एक्चुअली एस्पायरिंग फॉर टीचर्स, डू दे रियली हैव द गट्स, डू दे रियली हैव दोज स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी अ सक्सेसफुल टीचर। तो वो हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि आपको ऐसे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दे दिए जाते हैं जहां पर हम देखना चाहते हैं कि आपकी स्पॉन्टेनियटी, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड अगर आप में वो है तो आप क्या अपनी क्लास के अंदर इस प्रकार के बच्चों को भी सहज भाव से उनको सम्मिलित कर पाते या नहीं कर पाते, तो ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम बाकी वालों को भी देखते हैं, सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी, कम्युनिटी तो बहुत बार आपके अगेंस्ट भी चलेगी बच्चे, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा जो लोग काम करते हैं स्कूल्स के अंदर, वहां पर पीटीएम के अंदर किस किस प्रकार की चीजें होती है। एट टाइम्स पेरेंट्स कम विद अ सिली मिस्टेक्स, और वो कौन कौन सी चीजों को लेकर, कौन कौन से इश्यूज को लेकर आते हैं। हमारा बच्चा फाने बच्चे के साथ बैठता तो वो बच्चा उसका लंच खा लेता है। अरे ये तो बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की बात हो रही है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे से बहुत बातें करता है या वो उसका खाना खा लेता है। उसके ऊपर भी अगर पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है तो अगर आप एक बच्चे को जो नॉर्मल बच्चा है उसको एक डिसेबल बच्चे के साथ अगर आप बिठा देते हैं तो पहले तो उसके पेरेंट्स ही आ जाएंगे टीचर के पास, तो वहां पे जरूरी क्या है। टीचर रियली नीड्स टू बी वेरी स्मार्ट। टीचर का अपना कम्युनिकेशन और किस प्रकार वो टीचर पेरेंट्स को भी कन्विंस करता है कि जो मैं कर रही हूँ यू हैव टू लेंड योर सपोर्ट टू मी, और एक काबिल टीचर इस काम को कर पाता है। तो कम्युनिटी से भी अगर आपको सपोर्ट सीख करना है तो वो तब होगा पहले जब आप खुले भाव से उन बच्चों को अपनाएंगे। जब आप इस मुहिम को शुरू करेंगे तो शुरुआत आप करेंगे और आपके साथ जब लोग जुड़ते चले जाएंगे तो अपने आप कारवा बन जाएगा लाइक माइंडेड पीपल का। और उसके बाद आता है आपका टीएलएम। टीएलएम अपने आप में एक कॉस्मेटिक वैल्यू है अगर आपको उसको लागू करना नहीं आता। तो अगर मैं ये कहूं कि नहीं जी बहुत अच्छा टीएलएम अगर आप लेकर आ जाएंगे तो आज आपके प्राइवेट स्कूल्स में जो 15-15, 18-18 हजार रुपए महीने की फीस लेते हैं इस प्रकार के बच्चों को शामिल करने के लिए, वो बहुत अच्छा टीएलएम वगैरह शो करते हैं, तो क्या उस प्रकार के टीएलएम से वो बच्चे कामयाब हो गए? अगर उस प्रकार के टीएलएम से कामयाब होने वाले होते तो फिर तो नॉर्मल बच्चे भी कामयाब हो जाते। तो जिनकी स्पेशल नीड है उनकी स्पेशल नीड सबसे पहले जरूरी है, कहाँ पे सेटिस्फाई होगी? When there will be an attitudinal change in teacher, तो यहाँ पर आपका आंसर बनता है यदि हम टीचर की अभिवृत्तियों में उसके अंदर अगर ये बदलाव आएगा तो अपने आप वो कम्युनिटी को भी सेट कर लेगा और उसको पता है कौन सा टीएलएम
कौन सी नेचर ऑफ डिसेबिलिटी के साथ मुझे करना है कि कुछ ऐसा टीएलएम मैं लेकर आऊं जो सबके लिए सार्थक हो और जिस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है उसको भी ऐसा ना लगे कि स्पेशली उसके लिए ही किया जा रहा है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाते हैं। उसके बाद आपकी बार तो केवीएस ने एक ऐसा क्वेश्चन भी पूछा, इनफैक्ट ये क्वेश्चन मैंने केवीएस में भी देखा, और अगर मैं टेट्स की बात करूं तो मैंने एक आप लोगों का नॉर्थ ईस्ट का पेपर देखा था, तो उसमें भी उस टेट में भी मेरे को ये क्वेश्चन मिला था कि इटिनरेंट टीचर्स कहाँ पे यूज किए जाते हैं या ये टीचर्स कौन से होते हैं, इन्हें किस प्रकार की शिक्षा के सिस्टम में, मतलब अलग अलग रूपों में सेम क्वेश्चन पूछा गया था। यह आपका केवीएस का 2018 वाला क्वेश्चन भी है। तो इस प्रकार के टीचर्स बेटा वो होते हैं जो आपके परमानेंट टीचर्स, उस प्रकार के नहीं होते कि जो जहां पे नौकरी शुरू करते हैं रिटायरमेंट भी वहीं से लेते हैं, मतलब टीचर्स हु आर एक्चुअली मूविंग फ्रॉम डोर टू डोर इन अ वे, बिकॉज यू ऑल नो कि हमारे पास जब हम इंक्लूसिव एजुकेशन को लेकर आए हैं तो आपके पास स्कूल में इस प्रकार के जो सेन के बच्चे हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा नहीं होती, तो इस प्रकार के टीचर्स को भी अगर आप एक ही जगह के ऊपर ही रख लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप ह्यूमन रिसोर्स का पूरा पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपको उसका इस्तेमाल करना है तो दीज टीचर्स आर टू बी ऑन फुट शिफ्ट्स, तो इन लोग को बार बार अलग अलग प्रकार के स्कूल्स में जा जाकर अपने लेक्चर्स को देना होता है क्योंकि दे हैव अ स्पेशल टारगेट ग्रुप होम दे एक्चुअली एजुकेट। तो जिस प्रकार के बच्चों को उनको शिक्षित करना होता है उस प्रकार के बच्चे जहां जहां भी जिन स्कूल में होते हैं तो इन लोगों की क्लासेस वहां वहां पे लगा दी जाती है, तो ये कहलाते हैं आपके इटिनरेंट टीचर्स। अगर मैं कहूं इसको आप किस प्रकार की एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं, क्या यह बेसिक एजुकेशन के लिए है, क्या ये स्पेशल एजुकेशन के लिए है, क्या ये इंटीग्रेटेड एजुकेशन के लिए या ये आप लोगों की इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए, तो यहां पर आपका आंसर बनेगा इंक्लूसिव एजुकेशन का। या इस प्रकार के टीचर्स के लिए कुछ आपके पास और अलग ऑप्शन होंगे कि ये जो टीचर्स होते हैं ये मेडिकल एक्सपर्ट्स होते हैं, या ये जो टीचर्स होते हैं इनके पास एमबीबीएस का डिग्री का या डिप्लोमा का भी कोई एक साथ में एक सप्लीमेंट वगैरह कुछ ऐसा कोर्स किया होता है इन टीचर्स ने, या ये टीचर्स जो है ये आप लोगों के केवल और केवल स्पेशल जो स्कूल होते हैं वहीं पर ही जाकर पढ़ाते हैं, या ये टीचर्स सभी प्रकार के रेगुलर स्कूल्स में जहां पे इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उन अलग अलग प्रकार के स्कूल्स में जाकर पढ़ाते हैं। तो यहां पर भी आपका आंसर आखिरी वाला ऑप्शन होगा कि ये इंक्लूसिव एजुकेशन वाले स्कूल्स में अलग अलग स्कूल्स में जा जाकर ये टीचर्स पढ़ाते हैं। उसके बाद आता है आप लोगों का इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं और उसके ऊपर भी क्वेश्चन दिए जाते हैं चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। तो यहां पर आप लोगों का जो प्रिंसिपल मैं डिस्कस करना चाहती हूं, पहला तो कहलाता है आपका सामाजिक समता का, तो ये कहलाया आपका सोशल जस्टिस। यहाँ पर हम कहते हैं कि ये इस प्रकार के स्कूल होते हैं जो कि सामाजिक समानता का, सामाजिक न्याय का, जहां पर आप इक्विटी पर ज्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि इक्विटी विद इक्वालिटी लेकर चलते हैं। आप हर कास्ट क्रीड को तो लेकर चलते ही चलते हैं, और साथ ही साथ में आप लोगों को यहाँ पे इस चीज का भी ध्यान करना होता है कि हर एक की अपनी इंडिविजुअल नीड है, तो हमको इंडिविजुअल नीड को साथ में केटर करना होगा। हर एक की जो अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं पर आपको ध्यान देना होगा ताकि उन लोगों को भी ये लगे कि वी आर नॉट सेट अपार्ट, We have not been segregated. हम लोगों को सोसाइटी से बिल्कुल अलग मार्जिनलाइज नहीं किया गया, but it's an attempt to include them in the normal society and that too with an honest attempt कि जिनमें उनको भी सहजता लगे। उसके बाद होता है यहाँ पर जहां पे मैं कहती हूँ कि इस प्रकार के बच्चों के लिए आपको जिस ये क्वेश्चन आप लोगों का काफी जगह पूछा गया है नंबर टू वाला differentiated instruction। ये डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है, जहां मैं कहती हूं विभेदित अनुदेशन। विभेदित अनुदेशन शब्द के मायने यहां पर अपने आप में क्या है, वैसे तो नाम जो लिखा है टर्म दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट व्हाट डज इट एक्चुअली एंटेल। तो ये कहना चाहता है इस चीज को, जहां पर आपको मैंने पहले ही बोला है जब आप इक्विटी के ऊपर ज्यादा हो तो आप क्या कर रहे हैं, आप सेम क्लास में, मान लीजिए अगर आपकी क्लास में एडीएचडी का बच्चा भी है
और आपको पता है कि ये इस प्रकार के बच्चे होते हैं कि जो हम कहते हैं कि जिनके पैर में पहिए लगे हुए होते हैं, जिनको कुछ ना कुछ करना होगा। आप देखेंगे एडीएचडी का बच्चा आपको क्लास में कभी भी मिलेगा, उसका या तो घुटना हिल रहा होगा या वो आजू बाजू वाले बच्चों को इस तरीके से कुछ कोनी कोनी कुछ मारता रहेगा। मतलब उनको तो कुछ करना ही है, वो उनके ब्रेन के अंदर इस प्रकार का ब्रेन का जो मेंटल सेटअप है वो इस प्रकार का बना है। अब अगर आपको इस प्रकार के बच्चों को अकोमोडेट करना है तो वहां पे ये काम नहीं करेगा कि यू गिव यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन टू ऑल काइंड ऑफ लर्नर्स। अरे नहीं भाई, वी ऑल आर हेटरोजीनियस। व्हेन यू आर एड्रेसिंग अ हेटरोजीनियस टेस्ट, हेटरोजीनियस ग्रुपिंग कर रहे होते हो तो वहां पर आपकी इंस्ट्रक्शंस में भी इफ यू एड्रेस अ हेटरोजीनियस ग्रुप यू कैन नॉट गिव अ सेम यूनिफॉर्म सेट्स ऑफ स्टैंडर्ड या इस प्रकार की इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाओगे। तो वहां आपकी इंस्ट्रक्शन में भी हर एक के लिए कुछ होना चाहिए। यानी कि अगर मैं भी आज यहाँ पढ़ाने आई हूँ तो मैं भी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को लेकर चलूंगी। मेरे को बताना पड़ेगा केवीएस वाले ने क्या आया था, डीएसएसएसबी वाले ने क्या दिया था, या आप लोगों के कौन से फलाने फलाने स्टेट टेट वाले एग्जाम्स होते हैं वहां पर क्या 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 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। क्योंकि अगर मेरा चैनल देखने वाले आप सभी अलग अलग तरीके के लोग हैं तो मुझे भी सभी प्रकार के क्वेश्चन को लेना पड़ेगा, सो दैट आई कैन मेक माई क्लास मोर एंटरटेनिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोर मीनिंगफुल टू ऑल काइंड ऑफ लर्नर्स और वॉचिंग द क्लास। तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन कहता है कि आपने हर प्रकार की डिसेबिलिटी को साथ में लेते हुए चलना है। तो जैसे मैं कह रही थी एडीएचडी का बच्चा है तो आप अपने क्लास के अंदर जो भी असाइनमेंट वगैरह बनाते हैं उस असाइनमेंट में बीच में कुछ कलरिंग वगैरह का स्कोप दे देते हैं, कुछ ड्राइंग का स्कोप दे देते हैं, तो कुछ ऐसा आप करते रहते हैं कि जो एडीएचडी का बच्चा एक जगह पर टिककर एक ही प्रकार का काम लंबे समय तक नहीं कर पाता, उसकी एक्टिविटी को बीच में चेंज करने का स्कोप आपको मिल जाए। और कई स्कूल्स में तो ऐसा होता है कि वहां पर आप शीट उन बच्चों के लिए अलग बना के लाते हैं, एंड दिस इज ऑल्सो allowed। तो differentiated ये कह रहा है कि अगर वो बच्चा जो है if you cannot make that child sit, कि उसको आप एक एक घंटे के लिए नहीं बिठा सकते तो उसका पेपर ही आप चेंज कर दीजिए। आज सीबीएसई ये भी कह रही है कि अगर आप लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आती है कि मैथ्स का भी जो टेस्ट है वो बच्चों का अलग अलग है तो आपके सभी बच्चों ने इंजीनियर या आईआईटी नहीं करना है। तो जब सारे आईआईटीएंस नहीं बनने वाले हैं तो भाई उनके लिए शिक्षा को इतना बड़ा बोझा क्यों बना के रखा हुआ है। लेट देम डिसाइड कि उनको बेसिक पढ़ना है या एडवांस पढ़ना है। तो वहां पर भी आप क्या कर रहे हैं, आप एक डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन को इवैल्यूएशन के अंदर भी लेकर आ रहे हैं। वे यू आर मेकिंग special kind of paper to these kind of students ताकि उनको लगे this is something that is meant for me। तो वो जो me वाला place है वो हर बच्चे को मिलना चाहिए। ये क्लास हम सब की है, उस हम के अंदर मेरी जरूरतों को भी शामिल किया जाए तभी वो क्लास ज्यादा मीनिंगफुल बनेगी। तो आपने देखा होगा ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग पेपर आता है या उनके क्वेश्चंस का सेट आपने देखा होगा, उसमें थोड़े क्वेश्चंस भी आपको लगता है थोड़े ईजी होते हैं। तो वो ईजी क्वेश्चंस क्यों बनाए जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं जहां पर हम कहते हैं कि पार्शियल पार्टिसिपेशन को लेकर आओ। पार्शियल पार्टिसिपेशन के मायने यहाँ पर क्या है, आंशिक भागीदारी को लेकर है, आंशिक भागीदारी किस चीज को लेकर है। अगर आपको लगता है कि वो जो बच्चे के साथ जो डिसेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा सिवियर है और उस डिसेबिलिटी के रहते आप उस बच्चे को सेम एक्टिविटी में विद द सेम एक्सपेक्टेशन आप शामिल नहीं कर सकते, तो आपको कहीं ना कहीं उस टास्क को उनकी रीच में लेकर आना होगा। तो आपने देखा होगा जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनका जो पेपर होता है और जो आपका नॉर्मल बच्चों का पेपर होता है उसमें लेवल में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो वहां पर उनके लिए जो चैलेंजेस होते हैं उनको थोड़ा सा विद इन देयर रीच लेकर आते हैं ताकि उनको ये फील करे दिस इज ऑल्सो माई पेपर। तो वो जो फीलिंग आनी चाहिए कि मेरा भी मैथ्स का ही पेपर है और सेम डे है और उसी पेपर में मेरे लिए भी क्वेश्चन आया है फ्रॉम द सेम टॉपिक। सो व्हाट हैव यू चेंज, यू हैव एक्चुअली चेंज द डिफिकल्टी लेवल। व्हाई, बिकॉज देयर इज अ रूल नेवर पुश द चैलेंज पार्ट। तो उनकी जो लिमिटेशन है उसको कभी बायोलॉजिकल लिमिटेशन को पुश नहीं करना, बल्कि आपको उनकी जो सीमा है उसी सीमा के तहत उनको आपको परफॉर्म करवाना है। ये आपकी पेडागॉजी का बहुत बड़ा गोल्डन रूल कहलाएगा। इस प्रकार आप लोगों को एक और मिलता है और वो कहलाता है आप लोगों के लिए करिकुलर एक्सेलरेशन।
अब ये करिकुलर एक्सेलरेशन अपने आप में क्या कहता है, जहां पर आप पाठ्यक्रमी त्वरण की बात करते हैं। अब ये जो पाठ्यक्रमी त्वरण को लेकर बात कह रही हूं, त्वरण वर्ड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। त्वरण का मतलब क्या होता है कि जब आप एक चीज को एकदम से कुछ आगे की ओर बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर हम करिकुलर एक्सेलरेशन किस प्रकार के बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं मैं क्वेश्चन के रूप में बना देती हूँ। क्या करिकुलर एक्सेलरेशन आप नॉर्मल बच्चों के लिए लेते हैं, क्या करिकुलर एक्सेलरेशन आप इडियट्स के लिए लेते हैं, क्या करिकुलर एक्सेलरेशन आप गिफ्टेड चाइल्ड के लिए लेते हैं, या आप विजुअली चैलेंज बच्चों को करिकुलर एक्सेलरेशन देते हैं। तो यहां पर मैंने अलग अलग चार ग्रुप्स को संबोधित किया। करिकुलर एक्सेलरेशन हमेशा दी जाएगी गिफ्टेड चाइल्ड को। नाउ व्हाई डू वी एम्प्लॉय करिकुलर एक्सेलरेशन, there is a specific reason for that. जहां पर हम कह रहे हैं कि हमने curriculum को acceleration दे दिया है, ये gifted बच्चे जिनको लगता है कि उनका performance बाकी normal बच्चों से ज्यादा अच्छा है, and they have a good potential, and they really outdo them in the classroom. Normal classroom में भी they always give them a feeling कि ये बच्चे जो है आपको लगता है कि बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो उनको वो दो जहां पर वो और अच्छा perform कर सके। अगर आप उन बच्चों को बिल्कुल normal बच्चों के साथ बिठा रहे जिनका एक एवरेज लेवल है, तो वहां पे गिफ्टेड वाले बच्चे के अंदर भी तो वो बिल्कुल अनसंग हीरोज की तरह रह जाएंगे, जिनकी काबिलियत को आप जब पहचान ना पाए तो उनकी काबिलियत को भी आपने उन्हीं के साथ डाल दिया। तो ये कुछ इस प्रकार का होगा कि शेर के बच्चों को भी अगर आपने गीदड़ के बच्चों के साथ पाल लिया, तो हो सकता है शेर में जो एक अपनी वीरता होती है जिसके लिए वो जाना जाता है, वो आपको देखने को नहीं मिल पाएगी। तो गिव देम व्हाट वाइगोट्स्की टर्म ZPD, हर बच्चे को मिलना चाहिए उसका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसको वो चीज मिलनी चाहिए जहां पर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और वो परफॉर्म करने के लिए उसको क्या चाहिए होगा, उसको वो चैलेंजिंग टास्क चाहिए होगा जो उसको उसके कंफर्ट लेवल से ऊपर एक ऐसे चैलेंज के ऊपर लेकर जाए, वहां पर जहां टीचर का या समाज का या बाकी लोगों का जब इंटरवेंशन रहेगा, तो वो बच्चे उस मुकाम को पा जाएंगे जो उनका पोटेंशियल डेवलपमेंट को डिसाइड करेगा। तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल टीचर, व्हाट इज योर ड्यूटी, आपकी यही ड्यूटी बनती है गिव एवरी चाइल्ड हिज ZPD। अगर आप हर बच्चे को उसके ZPD को देकर आ जाते हैं और उसको वहां तक पहुंचने में फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो आप सही मायने में हमारे NCF 2005 के फैसिलिटेटर कहलाएंगे, क्योंकि आपने हर बच्चे को उसका मुकाम पाने में सहायता दी है, आपकी स्कैफोल्डिंग वहां पर काम आ गई है। तो यहाँ पर हमारे को जो करिकुलर एक्सेलरेशन देना होगा वो गिफ्टेड चाइल्ड को देना होगा, और ऐसे आपने बहुत बच्चे देखे हैं टीवी में, बहुत बार न्यूज में आता है 15 साल के बच्चे ने ग्रेजुएशन कर ली, 12 साल का बच्चा इतना बड़ा ये काम कर लेता है, मेंटल वर्क कर लेता है, और ही कैन गिव इवन अ कॉम्प्लेक्स टू एन 18-year-old चाइल्ड। तो इसका मतलब जब वो बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, तो उसको उन बच्चों के साथ क्यों बिठा रखे हो जिन बच्चों का एक आम लेवल है, फिर वो बच्चा भी वहीं पर ही खत्म हो जाएगा। तो उस बच्चे को आगे बढ़ने के लिए आपको कुछ करना होगा, और वो कहलाएगा, और हमारा सिस्टम इसको सपोर्ट करता है, और गवर्नमेंट के अपने टेस्ट होते हैं, और वहां पे ये स्टैंपिंग कर दी जाती है कि इस बच्चे को, क्योंकि उसने यह परीक्षा जो एक IQ टेस्ट की वो पास कर ली, इसका IQ इतना पाया गया है, तो IQ के आधार के ऊपर इस बच्चे का प्लेसमेंट कौन सी क्लास किया जाएगा, वो हमारे अपने लीगल मेजर्स होते हैं। तो आज मैंने आप लोगों के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन के इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर लिया है, और इसके अलावा जो बाकी प्रिंसिपल्स है और हर प्रकार के एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, वो सभी को मैं अपने चैनल के ऊपर सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। बट आप लोगों को अगर इस चीज के लिए अवेल ऑफ करना है, तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को पूरा एंड तक देखें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जितना ज्यादा आप इसको लाइक करेंगे और ज्यादा लोग जुड़ेंगे, शायद वो टाइम भी आएगा जब आप लोग अपना डाउट दे सकेंगे कि मैं किसी जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को इनवाइट कर सकूं, ताकि वहां पर आप लोग ज्यादा बोलें और आप अपने डाउट्स से, और मैं केवल आप लोगों के डाउट्स को आंसर करूं, ताकि मैं हर एक की इंडिविजुअल नीड को एड्रेस कर सकूं। तो ऑन अ पॉजिटिव नोट, आई साइन ऑफ माई क्लास हियर। सी है।